नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जिनसे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बदोवाल टोल प्लाजा पहुंचे हैं किसान, जीत का जश्न मनाने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान किसानों ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। यह अंतिम संस्कार के बाद जश्न मनाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक रहा है। बदोवाल टोल पहुंचे हैं किसान, इस दौरान जीत का जश्न मनाएंगे। इससे पहले वो शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे, जवानों को श्रद्धांजलि देंगे किसान। उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद जश्न मनाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जींद से, जहां बदोवाल टोल प्लाजा पहुंचे हैं किसान, इस दौरान जीत का जश्न मनाएंगे। बता दें कि किसान पहले जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद जश्न मनाया जाएगा। किसान आंदोलन एकता का प्रतीक रहा है और एकता के प्रतीक की अब खुशी यहां मनाई जाएगी, जश्न मनाया जाएगा एकता को लेकर। क्योंकि पिछले लंबे समय से जहां किसान संघर्ष कर रहे थे, किसान आंदोलन जारी था, तमाम मांगों को लेकर किसान आंदोलन यहां किया जा रहा था। सबसे पहले शुरुआत कृषि कानून को रद्द कराने को लेकर हुई, उसके बाद लगातार किसानों की मांगों को लेकर यहां आंदोलन जारी था। किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए थे, लेकिन अब किसानों की तमाम मांगे सरकार के द्वारा मान ली गई हैं, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया है। बता दें कि अब इस दौरान बदोवाल टोल पहुंचे हैं किसान, जहां वो जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन जीत का जश्न मनाने से पहले किसान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों के अंतिम संस्कार के बाद यहां पर जीत का जश्न भी मनाया जाएगा। तो जवानों को श्रद्धांजलि यहां किसान देंगे, अंतिम संस्कार के बाद यहां जश्न भी मनाया जाएगा। बढ़ते आगे, बात अब फतेहाबाद की करेंगे, जहां जिले में टोहाना थाने का एक वीडियो वायरल हुआ। दरअसल थाने की महिला एएसआई की मेज पर नोटों की गड्डियां रखी दिखाई दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो वायरल होने के बाद अब एसपी ने महिला एएसआई को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पास में बैठे लोग नोटों को गिनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फतेहाबाद के एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने वीडियो सामने आने के बाद महिला एएसआई को नोटिस भी जारी कर दिया है और जवाब भी मांगा है। बताया जा रहा है कि थाने में 1.5 महीने पहले लड़का और लड़की के विवाद को निपटाने के लिए 8 लाख रुपए में राजीनामा किया गया था। लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष को 8 लाख रुपए की राशि दी थी, उसी की गिनती थाने में की जा रही है। हालांकि पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला एएसआई की मेज पर रखी नोटों की गड्डियों ने पूरे मामले पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो महिला एएसआई की मेज पर यह नोटों का अंबार, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मेज पर साफ तौर पर नोटों की गड्डियां देखी जा सकती हैं और यहां मौजूद लोग नोटों को गिनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि यह पूरा मामला लड़का और लड़की पक्ष से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें 8 लाख रुपए की मांग यहां लड़की पक्ष की तरफ से की गई थी और इस यही 8 लाख रुपए की राशि यहां मौजूद लोग गिनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले के बाद पुलिस की कार्यशैली पर, खाकी की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो वक्त बताएगा, लेकिन टोहाना का ये पूरा मामला, जहां 8 लाख रुपए की रिश्वत का ये मामला निकल करके सामने आया, जिसका वीडियो अब काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो से लगातार पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि 8 लाख रुपए की घूस लेने की का आरोप महिला एएसआई पर लगा हुआ है, जिसके बाद लगातार खाकी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अब जांच के बाद क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं वो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि ये पूरा मामला एक लड़का लड़की पक्ष से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें 8 लाख रुपए की राशि लड़के की तरफ से दी गई थी, लड़के पक्ष की तरफ से दी गई थी, जिसको गिनते हुए यहां लोग नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिला एएसआई की मेज पर नोटों की गड्डियां साफ तौर से नजर आ रही हैं। ये नीली बोतल के बगल में नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं और आसपास बैठे लोग यहां लगातार इन नोटों की गड्डियों की गिनती कर रहे हैं, इन नोटों की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब ये पूरा मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के आदेश दिए गए।
वहीं यमुनानगर के बिजली निगम कार्यालय में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम कंज्यूमर ग्रेवेंस फोर्म के चीफ इंजीनियर ने पूरे जिले की समस्याओं को सुना। बता दें कि उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम कंज्यूमर ग्रेवेंस फोर्म के तहत विमेंस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ इंजीनियर आर के शर्मा पहुंचे। उन्होंने कहा कि UHBVN की इस फॉर्म के अंदर 10 जिले आते हैं और हर महीने एक जिले में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। इसमें बिल से संबंधित, मीटर से संबंधित कई तरह की शिकायतों का निपटारा भी किया जाता है। ये फॉरम है वो यूएचबीएन के लिए एक है, जिसका पूरा नाम है कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिटर्न फोरम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। हमारा जो ऑफिस है वो कुरुक्षेत्रा में है, पर हम सर्विस जो कैटर करते हैं वो यूएचबीएन का जो पूरा एरिया है, जिसमें 10 जिले हैं, 10 SC ऑपरेशन है। महीने में एक बार तो हम जाते ही हैं, हर जगह कवर करते हैं। जरा शिकायतें जैसे आपकी जो है मीटरिंग की है, कोई बिल से रिलेटेड है, जैसे मीटर डिफेक्टिव हो गया, बिल किसी का ज़्यादा आ गया, ठीक है जी। इसमें और भी चीज़ें हैं, वैसे मान लो सप्लाई की प्रॉब्लम ज़्यादा है, कनेक्शन की है, डिसकनेक्शन की है। बढ़ते आगे, जहां खेल मंत्री संदीप सिंह ने BDPO कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। साथ ही खेल मंत्री अनाज मंडी का दौरा करके व्यापारियों से मुलाकात करने भी पहुंचे। बता दें कि देर शाम को खेल मंत्री बदमाशों द्वारा फिरौती के मामले में परेशान किए गए व्यापारी अमित कुमार की दुकान पर पहुंचे। वहीं खेल मंत्री ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उन्हें किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, प्रशासन और पुलिस व्यापारियों के साथ है। बता दें कि घटना के बाद व्यापारी को पुलिस सुरक्षा भी उपलब्ध करवा दी गई थी। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के हित के लिए ये कानून बनाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वो देश के हित में ना जाएं या देश के लोगों के लिए पसंद ना आए तो उसको वापस भी लिया जाना चाहिए, तो उन्होंने लिया भी। तो ये अच्छी बात है कि एक अच्छी सहमति के साथ किसान भी अपने अपने घर जा रहे हैं और सरकार ने जो कानून बनाए थे वो भी वापस लिए हैं। और मुझे यही है कि ये अब भाईचारा किसानों का, सरकार का, सबका एक साथ मिलकर देश का प्रगति करे, देश को उन्नति की तरफ लेके जाए। ऑफिस वीडियो ऑफिस ही है जी, ये बंद पड़ा है सर। हाँ जी, और पुन्हाना जिले के लोगों को ऑक्सीजन के लिए अब दूसरे जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए मेवात अब पूरी तरह से सक्षम हो चुका है। बता दें कि भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के CSR पहले के तहत साथी संस्था ने पुन्हाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रदेश के केंद्रीकृत ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुरेंद्र यादव ने किया। संयंत्र के चालू होने से अस्पताल के बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो जाएगी। वहीं पुन्हाना के प्रवर चिकित्सा अधिकारी डॉ कपिल भारद्वाज ने बताया कि संयंत्र के स्थापित होने से जिले के लोगों को कोरोना महामारी से बचाव करने में काफी मदद मिलेगी। पिछले 2 वर्ष की विभीषिका सभी वाकिफ हैं कि यहाँ पे भी कितनी परेशानी हुई, कितनी डेथ्स हुई। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है आपका मेवात, उसमें इस जगह पे कुछ भी व्यवस्था नहीं थी और ऑक्सीजन की कमी से कमी के कारण काफ़ी कैजुअल्टीज हुई, जिसने हमें विचलित किया। हमने इस एरिया का सर्वे करके मोस्ट नीडेड प्लेस इसे मानते हुए हमने यहाँ के लिए काम किया, शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के कंट्रीब्यूशन से और साथी संस्था के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पूरा इसको डेवलप करवा कर, इंस्टॉल करा के सक्सेसफुली आपके सामने है सब कुछ। हमने इसे हैंडओवर किया है आपके अस्पताल को। सर, जैसा कि मैंने आज देखा है तो हम लोगों को ये मालूम पड़ा है कि हमारा पैसा सही जगह लगा है, सही जगह लगा है, और वो यहाँ के लोगों के लिए
बहुत लाभकारी होगा। सर आगे की योजना एक्चुअली हमारा कॉरपोरेट कम्युनिकेशन विभाग जो मुंबई में है वही लोग हमको निर्देश देते हैं, तो हम उनका जो निर्देश आएगा जो उनकी योजना होगी वही हम उसी के अनुसार हम उस योजना पर काम करते हैं। अगली खबर अंबाला से है, जहां अगले साल फरवरी में होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से पहले नगर निगम अंबाला शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने में जुटा हुआ है। निगम की ओर से स्वच्छ हरियाणा ऐप भी शुरू किया गया है, जिस पर अंबाला वासी घर बैठे सफाई संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निगम अधिकारियों का दावा है कि ऐप पर आने वाली शिकायतें 24 से 48 घंटों में हल करवा दी जाएंगी। निगम अधिकारी ने कहा कि स्वच्छ हरियाणा ऐप के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का जल्द ही हल हो सके। इसके अलावा लोग हेल्पलाइन नंबर पर भी सीवरेज संबंधित समस्या दर्ज करवा सकते हैं। ऐप का प्रचार करने के लिए सक्षम युवाओं की टीम भी बनाई गई है। के लिए नगर निगम अंबाला पूरे अपने अथक प्रयास कर रहा जी। पीछे हमने सभी RWO मार्केट एसोसिएशन के पीछे मीटिंग बुलाई है पंचायत भवन में, जिसमें सभी RWO मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को हमने स्वच्छता ऐप भी डाउनलोड करवाई है, जिसमें स्वच्छता ऐप एक डाउनलोड करनी होती है हर एक अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे। तो उसमें आप 5 तरह की कंप्लेंट डाल सकते हो, जैसे गार्बेज से रिलेटेड, स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड, रोड की सफाई और टॉयलेट्स की क्लीनिनेस के लिए, इस तरह की कोई भी कंप्लेंट है तो आप इसके ऊपर फाइल कर सकते हो। तो जैसे ही आप उस पर सबमिट करते हो तो इमीडिएटली हमारे पोर्टल पे लैंड करती है कंप्लेंट, और हम इमीडिएटली उसके लिए अपने कर्मचारी जो डेजिग्नेटेड किए हुए हैं वो अपना उसका सोल्यूशन और डिस्पोज ऑफ करते हैं। बढ़ते आगे, जहां बाटरा के हंसावास कुर्द गांव में 6 महीने से दूषित पानी आ रहा है, इससे परेशान ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गांव वालों को पिछले 6 महीने से जन स्वास्थ्य विभाग की पेयजल आपूर्ति लाइनों से दूषित पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। इसके खिलाफ गांव वालों ने जन स्वास्थ्य विभाग के बोरिंग पर विरोध प्रदर्शन किया और पेयजल सप्लाई में शीघ्र सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि गांव में जगह जगह से पेयजल आपूर्ति लाइनें टूटी हुई हैं, जिनमें गड्ढे बन गए हैं और नालियों का गंदा पानी पाइपलाइनों में चला जाता है। गांव की पेयजल आपूर्ति शुरू होते ही गंदा पानी घरों में चला जाता है। इसको लेकर गांव वाले कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया है। वहीं जिंद में बिजली निगम की ओर से बकाया बिजली का बिल वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि बिजली निगम के मुताबिक करोड़ों रुपए दबाए बैठे उपभोक्ता 2,75,000 उपभोक्ताओं में से 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक बिजली का बिल जमा नहीं किया है। वहीं 500 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों ने भी बिजली का बिल नहीं भरा है। इसी को देखते हुए बिजली निगम ने टीम का गठन किया है, जो गांव-गांव जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा बकाया राशि की वसूली हो सके। जो लोग बिल नहीं भरेंगे उनके कनेक्शन भी काटे जाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जहाँ तक जींद जिले की बात है, लगभग 1280 करोड़ रुपए की टोटल डिफॉल्टिंग अमाउंट जींद जिले में बची हुई है, जिनमें लगभग 1,47,000 उपभोक्ता हैं जो हमारी टोटल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इनमें से 29 करोड़ के लगभग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ है, जो सरकारी विभाग हैं, और 30 करोड़ के लगभग हमारे शहरी उपभोक्ता हैं जिनकी तरफ।